हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट कभी कोई कमी नहीं रखेगा आपके एंटरटेनमेंट में। इसीलिए तो आपको हर दिन, हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने नए शो देखने को मिलते हैं। ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं सोचते हैं, यार जो हम देखना चाह रहे हैं वो तो प्रोड्यूसर नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए आप चैनल चेंज कर लेते हैं और नए शो की कहानी को देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे में अचानक से दूसरे शो पे ज़्यादा रश आ जाता है। तो ऐसे में जो है काफ़ी प्रोडक्शन पे जो है हमेशा रोज़ लाखों ट्वीट जाते रहते हैं, तो वो सबके ट्वीट तो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अगर उनकी नज़र में कोई ट्वीट आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान जरूर देते हैं। तो ऐसे में वो भी चाहते हैं कि भाई हम भी उन्हीं के अकॉर्डिंग स्टोरी लेकर चलें जो फैंस देखना चाह रहे हैं। और जब तक वो कहानी को तुम्हारे अकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं, उससे पहले ही जो है शो की टीआरपी डाउन हो जाती है और चैनल वाले शो पे जो है आपके प्रोडक्शन पे कोई ना कोई जो है कंप्लेन भेजते हैं। ऐसे में फिर वो सोचते हैं, यार जो कहानी जो फैंस चाह रहे थे वो हम रचने वाले थे, उससे पहले ही जो है इस तरह की न्यूज़ हमें सुनने में मिल गई। तो ऐसे में काफ़ी शो देखे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपका ही जो शो है उसी का हो सकता है जिसे आप पसंद नहीं करते उस शो के बारे में हो, लेकिन जिसके फैंस लगातार शो देख रहे हैं, फिर चाहे वो अच्छा दिखा रहे हो या बुरा दिखा रहे हो, तो यकीन मानिए जब उसमें ट्विस्ट आता है या प्रोमो आता है या न्यू एंट्री होती है तो उसकी कहानी के साथ काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में मैं बात करूंगी आपके नागिन शो की, जो कि वीकेंड का शो है। ना जाने कितनी बार इसकी स्लॉट चेंज हो चुकी है, लेकिन जो है लास्ट वीक इसकी टीआरपी जो है काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। ये कह सकते हैं कि उस वक्त ये नंबर वन का शो बन गया है। ऐसे में जो है या तो आप खुशी बना सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि यार उस टाइम पे तो केबल अवेलेबल नहीं थे इसलिए उस पर रश पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं नागिन को पसंद तो किया होगा ना, रश भी तो जब भी पहुंचा है, रश के साथ कई बार चैनल भी चेंज हुआ होगा, टीआरपी ऊपर नीचे भी हुई होगी, लेकिन फिर भी नागिन जो है कह सकते हैं एकता का नागिन नंबर वन की पोजीशन पे रहा है, वो भी नागिन सिक्स। ऐसे में बात आती है नागिन सेवन की, चर्चाएं नागिन सिक्स से ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं। अभी शो बन नहीं हुआ है, उसे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं। उसी के बीच में अब न्यूज़ आ रही है कि नागिन सेवन की सर्चिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जहाँ पे सभी जानना चाहते हैं कि भाई नागिन सेवन का हिस्सा कौन बनेगा, क्या बिग बॉस में से होगा या कोई बाहर से होगा। ऐसे में बिग बॉस के सितारे भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, फिर चाहे वो कोई पार्टी हो या फिर जो है बिग बॉस की तरफ से पार्टी हो। ऐसे में जो है मीडिया में भी न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है, भाई बिग बॉस ख़त्म हो गया लेकिन बिग बॉस वालों की पार्टी ख़त्म नहीं हुई है। हर दिन हर रोज़ कहीं ना कहीं पार्टी ही देखने को मिलती है और सारे एक साथ मिलते भी हैं। भाई पहले तो होता था बिग बॉस से आप बाहर निकले, उसके बाद कभी टकरा गए मीडिया के सामने तो आपने हाय हेलो कर ली, नहीं तो अंदर से आपके अंदर वही जो जुनून होता है जो बिग बॉस में आपका देखा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिग बॉस में आप खेलिए, खुलकर खेलिए, जो आपके मन में है बोलिए, लेकिन बाहर आने के बाद आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह दोस्ती रखिए जैसे कि आपकी पहले थी। और यही जो है इस बार देखा गया है, सभी सितारे कहीं ना कहीं एक साथ नजर आए हैं और फुल मस्ती करते हुए नजर आए हैं, इसीलिए बिग बॉस की सर्चिंग और ज्यादा बढ़ गई है। कहीं ना कहीं फैंस को लगेगा जो देखेंगे, यार ये जो लड़ रहे हैं ये बाहर जाके शायद एक हो जाएंगे, क्योंकि इस बार तो ऐसा ही हुआ है। तो ऐसे में हम बात करेंगे कि नागिन जो है आपने कल देखा यानी कि सैटरडे को कितना देखा, कितने स्टोरी पसंद आई, जहाँ पे भाई तेजस्वी ने भी अपनी सोशल मीडिया पे डाला, किसी से पूछा कि शो कैसा लगा, तो ऐसे में उनके शो की तारीफ़ की। भाई अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो मैं तो यही कहूँगी अच्छे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लगेंगे तो मैं बोल दूँगी अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन यहाँ तो टीवी शो की बात है, लेकिन बात आती है नागिन की स्लॉट क्या निकल कर आई है और नागिन किसे बनाने वाली हैं एकता। तो सबसे पहले हम स्लॉट की बात करेंगे, आपकी स्लॉट निकल कर आई है 51-52। तो डियर प्लीज़ वॉच ऑन टीवी विद एड, ये 52 पे रुकी है तो आप समझ सकते हैं इसकी टीआरपी 1.7 तक जा सकती है, जहाँ पे इसकी टीआरपी 2.1 है, इसे ज़्यादा मत गिरने दीजिए। अगर देखो थोड़ी बहुत ही तो गिरेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रश कहीं और भी पहुँचेगा क्योंकि केबल अवेलेबल हो गए हैं। तो ऐसे में ज़्यादा ना गिरे, 1 या 2 पॉइंट गिरे तो चल सकता है, यार ज़्यादा गिर जाएगी तो फिर बैड न्यूज़ हो जाएगी। अब बात आती है आपके नागिन सेवन किसे बना सकते हैं, यार फैंस सबसे ज़्यादा सुम्बुल और प्रियंका को ही कह रहे हैं। अब एकता पर डिपेंड
ब्रांड है वो किसे बनाएगी, सुनने में आ रहा है कि मोस्ट पॉपुलर जो है स्टार को लेने वाली है, वो तो हमेशा ही मोस्ट पॉपुलर स्टार को लेती है, फिर चाहे मोनी रॉय है, निया शर्मा है, सुरभि ज्योति है, सुरभि चन्ना है या तेजस्वी प्रकाश है, उन्होंने सभी मोस्ट पॉपुलर ही लिए। तो उम्मीद है कि बिग बॉस की क्या पॉपुलर को लेंगी या फिर टीवी की जो काम कर रही हैं हसीन आए उनमें से किसी को लेगी। सभी का कहना है यार प्रणाली को ले लो, कोई कह रहा श्रीति को ले लो, कोई कह रहा रूबीना को ले लो, सब अपनी अपनी एडवाइस दे रहे हैं। तो आप किसे देखना चाहते हैं नागिन में, नागिन 7 में, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।